शेयर्स हियर फ्रॉम गोनर। आज हम बात करेंगे वन प्लस की, जो कि अब ओप्पो के अंडर आता है, विच मीन्स ओप्पो इज द पैरेंट कंपनी ऑफ वन प्लस। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, बट उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। अराउंड डिसंबर और जैन के बीच वन प्लस ने ये अनाउंस किया था कि वो उसका R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ओप्पो के साथ मर्ज कर रहा है, सो दैट वन प्लस कैन यूज ओप्पोज एसेट्स टू मेक वन प्लस फोन्स। ओप्पो ने ऑलरेडी कुछ अच्छे फोन्स बनाए हैं। आपने रिसेंटली ओप्पो का X2021 देखा होगा कॉन्सेप्ट फोन, जो कि एक फोल्डिंग फोन है। सो ओप्पो इस मामले में अच्छा है एंड वन प्लस इज गोइंग टू मर्ज इन दैट। सो ये जो ओप्पो की टीम है वो वन प्लस को हेल्प करेगी टू मेक बेटर वन प्लस फोन्स। दैट वुड बी अ गुड पार्ट फॉर वन प्लस। यू मस्ट हैव सीन ओप्पो एंड वन प्लस सिमिलर काइंड ऑफ फोन्स इन द पास्ट, एंड फ्यूचर में भी ये अब और आपको दिखाई देगा। ऑल्सो रिसेंटली वन प्लस ने अनाउंस किया है कि वो उसका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज ऑक्सीजन OS वो ओप्पो के कलर OS के साथ मर्ज करेगा, विच मीन्स ऑक्सीजन OS इज गोइंग टू मर्ज विद कलर OS। बट पीट लाओ ने ऑफिशियल कंफर्म किया है उनके फोरम्स पे कि ग्लोबल वन प्लस वेरियंट्स के लिए ऑक्सीजन OS ही रहेगा उसका OS, उसमें कलर OS नहीं आएगा, अनलाइक द चाइनीज वर्जन ऑफ वन प्लस, उसमें ऑक्सीजन OS ही रहेगा। सो इस इंटीग्रेशन का क्या मतलब है एंड ये हमारे वन प्लस फोन्स को कैसे अफेक्ट करेगा, सब बताऊंगा। बट उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड इट्स एक्चुअली फ्री, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यू कैन चेंज योर माइंड आफ्टरवर्ड्स, थैंक्स इन एडवांस। सो आगे बढ़ते हैं। वन प्लस का ऑक्सीजन OS एंड ओप्पो का कलर OS मर्ज हो रहा है, इसका मतलब वो एक्चुअल में मर्ज नहीं हो रहा है, बट उनका जो कोड बेस है वो मर्ज हो रहा है। आसान भाषा में OS का जो कोड होता है, मतलब अगर एक बटन प्रेस करने के बाद क्या चीज़ हो रही है OS में, अगर स्वाइप करने के बाद क्या हो रहा है OS में, वो जो कोड होता है वो वन प्लस का, दैट मीन्स ऑक्सीजन OS का एंड कलर OS का सेम रहने वाला है। वो जो कोड है, कोड बेस, वो सेम रहने वाला है। उसके ऊपर दो स्किन्स रहेंगे, एक तो ऑक्सीजन OS की स्किन रहेगी और दूसरी कलर OS की स्किन रहेगी। ऑक्सीजन OS की स्किन वन प्लस के लिए रहेगी और कलर OS की ओप्पो के लिए रहेगी। वो दोनों स्किन्स अलग अलग रहेंगे और उसका जो जो मेन कोड बेस है, जो वो वर्क करेगा, वो सेम रहेगा। क्योंकि ये सेम रहेगा, इसके कुछ अच्छे भी बातें हो सकती है और कुछ बुरी भी बातें हो सकती है। सो अच्छी बात ये होगी कि अभी हमें वन प्लस के फ़ोन्स में, जो कि ऑक्सीजन OS के ऊपर बेस्ड है, वो अच्छा पॉलिश्ड अपडेट मिलेगा, अनलाइक द बगी अपडेट जो अभी तक हमें मिलता आया है। वो अपडेट नहीं रहेगा, पॉलिश्ड अपडेट आएगा जो ओप्पो की टीम उसको देखेगी, दे विल हैव द क्लोजर लुक ऑफ इट। सो हमें पॉलिश्ड अपडेट मिलेगा, बग फ्री अपडेट मिलेगा वन प्लस के ऑक्सीजन OS का। ये एक अच्छी बात होने वाली है इसके लिए। एंड बुरी बात ये हो सकती है, मैं कह नहीं रहा कि ये होगी बुरी बात, बट पॉसिबिलिटी है कि जो कलर OS के जो फीचर्स है, बहुत सारे जो फीचर्स है कलर OS के, वो ऑक्सीजन OS के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि उनका कोड सेम है। सो फीचर्स उनके अंदर आ सकते हैं। मेनी ऑफ द पीपल लाइक ऑक्सीजन OS बिकॉज ऑफ इट्स क्लीन UI, बट ऑक्सीजन OS अगर कलर OS के जैसे हुआ बिकॉज ऑफ द कोड, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, वो क्लीन UI नहीं रहेगा ऑक्सीजन OS। ये एक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्या पता वन प्लस क्या करते हैं इस बारे में। बट एक और अच्छी चीज़ होने वाली है, क्योंकि ये मर्ज हो रहा है, एक और अच्छी चीज़ होने वाली है, और वन प्लस ने ऑफिशियल अनाउंस किया है कि अभी वन प्लस के फ़ोन्स को ज़्यादा अपडेट मिलेंगे। ये सिर्फ लागू है वन प्लस 8 और उसके अबव फोन्स के लिए, वन प्लस 8, वन प्लस 8T और उसके जो हायर वेरियंट्स है उस फोन्स के लिए लागू है, कि वन प्लस के जो हायर वेरियंट्स है उनको अभी 3 years का सॉफ्टवेयर अपडेट, एंड्रॉयड अपडेट मिलने वाला है, एंड 4 years का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। वही अगर हम वन प्लस नॉर्ड एंड वन प्लस नॉर्ड सी की बात करें, और कोई भी नॉर्ड लाइनअप की बात करें, तो उनको 2 years का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, एंड्रॉयड अपडेट, एंड 3 years का सिक्योरिटी पैच मिलेगा, सिक्योरिटी अपडेट। सो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि मर्ज हुआ है तो ज़्यादा अपडेट मिलेगा और बग फ्री पॉलिश्ड अपडेट मिलेगा। बट वॉट अबाउट अर्लियर वर्जन्स ऑफ वन प्लस, दैट इज 70, 70 Pro और 6, जो भी प्रीवियस वर्जन से, उनका क्या? सैडली उन्हें वो अपडेट नहीं मिलेगा। वन प्लस 70 और 70 Pro यूजर्स और उनके पहले के यूजर्स ऑक्सीजन OS 12 के ऊपर ही रहेंगे, उससे ज़्यादा अपडेट उन्हें नहीं मिलेगा, और वो इंटीग्रेटेड अपडेट नहीं होगा, वो नॉर्मल ऑक्सीजन OS का अपडेट होगा, जिसमें बग्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, अब देखा जाएगा, बट वो इंटीग्रेटेड अपडेट नहीं होगा। ये एक सैड बात है। वन प्लस 8 से ऊपर वो अपडेट मिलने वाला है आगे जाके। सो नेक्स्ट थिंग इज, ये अपडेट कब आएगा, जो इंटीग्रेटेड अपडेट है कलर OS के साथ, जो कोड बेस सेम है, वो अपडेट कब आएगा?
ये अपडेट आने वाला है एंड्रॉइड 12 के अपडेट के साथ, जो ऑक्सीजन ओएस 12 का जो अपडेट आएगा फोन्स में, जो वन प्लस 8 के जो फोन से और अबव फोन से उसमें जो ऑक्सीजन ओएस 12 का अपडेट आएगा उन अपडेट के साथ ये अपडेट आपको मिलेगा। सो कलर ओएस वाला जो अपडेट है, आई मीन नॉट कलर ओएस बट ऑक्सीजन ओएस 12 का जो अपडेट रहेगा वो इंटीग्रेटेड अपडेट रहेगा। मतलब वन प्लस 8 को जो अपडेट मिलेगा एंड्रॉइड 12 का वो इंटीग्रेटेड अपडेट रहेगा जो ओप्पो की तरफ से आएगा। अभी आपने कुछ बेटा वर्जन्स में देखा होगा ऑक्सीजन ओएस 12 के कुछ फीचर्स है उसमें जो ओप्पो से बिलोंग करते हैं, ओप्पो के फीचर्स है जो ऑक्सीजन ओएस 12 में आपको दिखाई देंगे। तो अभी से चालू हो चुका है, बेटा वर्जन से ही चालू हो चुका है, आपको दिखाई देगा। तो ये आप आगे मान लीजिए कि कलर ओएस के थोड़े फीचर्स ऑक्सीजन ओएस 12 में आ सकते हैं, आने वाले हैं, तो ये मान लीजिए आप बस। तो वही बेटा वर्जन है जो अपने को मिलेगा वन प्लस 8 और हाई वर्जन में, कलर ओएस और ऑक्सीजन ओएस का मिला जुला वर्जन जो रहेगा, जिसको वो नाम ऑक्सीजन ओएस ही देंगे, वो वर्जन रहेगा वन प्लस 8 एंड अबव फोन्स में एंड्रॉइड 12 ऑक्सीजन ओएस 12 के साथ। एंड जो फोन अभी लॉन्च नहीं हुए, जैसे कि हो गया वन प्लस 9T और आगे के जो भी फोन्स है उनमें, वो पहले से ही शिप होके आएगा, जो इंटीग्रेटेड वर्जन होगा वो शिप होके ही आएगा साथ में, उसमें बाद में अपडेट नहीं, सेम टाइम पे अपडेट रहेगा उसमें पहले से। और रिसेंटली एक प्रमोशन वीडियो में भी वन प्लस एंड ओप्पो के बारे में बताया गया, उनके मर्जिंग के बारे में बताया गया है, उसमें उन्होंने टैगलाइन भी दी है लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुगेदर। सो ये आपको दिखाई देगा, ये ऑफिशियल हो गया है, अब आपको ये सब दिखाई देने वाला है वन प्लस के फोन में। आई जस्ट होप कि वन प्लस ऑक्सीजन ओएस को रुइन ना करे, इट शुड बी एज वी लाइक इट, बस ये मैं चाहता हूँ इससे। आपको क्या लगता है ऑक्सीजन ओएस एंड कलर ओएस के इंटीग्रेशन के बारे में, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके और भी कुछ सवाल होंगे तो आप मुझे इंस्टा पे या ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो और उसमें मैसेज कर सकते हो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले एक और चीज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर वीडियोज़ आप मिस ना करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, लेट्स गो नर्ड।